माँ बनने के लिए अपने एक्स फ्रीज करवाना चाहती है मृणाल ठाकुर। अपनी शादी के बारे में कही बड़ी बात। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में मृणाल ने कहा कि उन्हें शादी के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने कहा, राइट बैलेंस होना चाहिए। रिलेशनशिप्स निभाना आजकल मुश्किल काम है। इसके लिए आपको सही पार्टनर चाहिए जो पूरी तरह से समझ सके आपको और आपके जॉब के नेचर को। इसलिए जब तक ऐसा नहीं होता, मैं भी अपने एग्स फ्रीज कराना चाहती हूँ। इस बारे में सोच रही हूँ। ऐशा देओल हो गई ट्रोल। दरअसल उनकी लिप सर्जरी कराने के रूमर्स के बाद वो पहली बार पब्लिकली हीरा मंडी की स्पेशल स्क्रीनिंग पर नजर आई, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें वहाँ भी नहीं छोड़ा और उनको ट्रोल करने लगे। ऐसे ही कुछ कमेंट्स पर आप भी डालिए नजर। स्लो चीता के म्यूजिक वीडियो में फीचर हुए रणवीर सिंह। सामने आया नया गाना। विद्या बालन ने कही बड़ी बात। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा कि वो किसी भी धार्मिक संस्थाओं के लिए नहीं, लेकिन स्कूल और अस्पताल के लिए करेंगी दान। ऑनलाइन ट्रोलिंग से कैसे डील करती है लारा दत्ता, उन्होंने किया खुलासा। ऑनलाइन ट्रोलिंग से डील करने के सवाल का जवाब देते हुए लारा ने रिपोर्टेडली कहा, मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा ट्रोलिंग और भद्दे कमेंट से डील नहीं करना पड़ता। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, अरे बूढ़ी हो गई, अरे मोटी हो गई। लेकिन क्या ये वाकई में मेरी लाइफ में मायने रखता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। IPL 2023 की इलीगल स्ट्रीमिंग मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने तमन्ना भाटिया को भेजा समन। 29 अप्रैल को होनी है पूछताछ। फाइटर की असफलता पर बात की जिमी शेरगिल ने। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, फाइटर अपने किरदारों के कारण दर्शकों से जुड़ नहीं सकी। अगर आप कहानी से जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं, तो ऐसे किरदार होने चाहिए जो जुड़ाव महसूस कराए। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर रणदीप हुड्डा ने जाहिर की खुशी। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए बहुत गर्व का क्षण था। रश्मिका मंदाना ने पूरी की अपनी अपकमिंग फिल्म कुबेर की शूटिंग। शेयर की तस्वीर। एक्टर बनना चाहती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा। एक्टर ने किया खुलासा।